शरीफ फैमिली के लिए एक और सदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की मलकियत इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स की नीलामी का हुक्म दे दिया। मुस्लिम कमर्शियल बैंक की नीलामी की दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। समाअत के दौरान बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स के मालिकान ने कारोबारी जरूरत के तहत कर्ज हासिल किया। कर्ज के हुसूल के लिए 27 केनाल अराजी पर कायम टेक्सटाइल मिल्स रहन रखी गई। बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि डिफॉल्टर मियाँ हारून यूसुफ, मियाँ यूसुफ अजीज, कौसर यूसुफ, सायरा फारूक, आयशा हारून ने कर्ज के लिए गारंटी भी दी। बैंक के वकील ने बताया कि 2000 में इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स को डिफॉल्टर करार दिया गया। 2016 में अदालत ने 25,33,64,000 की अदायगी के लिए डिग्री भी जारी की। डिग्री जारी होने पर मुलजिमों ने 14,32,69,000 अदा भी किए, जिसके बाद मजीद अदायगी नहीं की गई।